यादव समाज जन्माष्टमी पर निकालेगा चल समारोह। गायत्री मंदिर परिसर में रखी गई बैठक। यादव समाज गुना द्वारा 6 सितंबर को जन्माष्टमी के अवसर पर शहर में भव्य चल समारोह निकाला जाएगा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को उत्साह के साथ मनाने के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। रविवार को गायत्री मंदिर परिसर में बैठक रखी गई। बैठक में यादव समाज के संरक्षक सदस्य हरि सिंह यादव, हरबीर सिंह, सरदार सिंह, राजू यादव, सीमा यादव, संतोष सिंह, बुंदेल सिंह, शिशुपाल सिंह, जयमंडल सिंह, जगदीश सिंह, शिवराज सिंह बलखान सिंह, देवेंद्र सिंह, इंद्रभान सिंह, ब्रजवान सिंह, मुंशी यादव, वीरेंद्र सिंह, गुमान सिंह, जितेंद्र सभी समाज बंधु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिला मीडिया प्रभारी विश्ववीर सिंह मानपुर ने बताया कि सभी समाज बंधुओं ने निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चल समारोह 6 सितंबर को सुबह 11 बजे गायत्री मंदिर से शुरू होगा। इसके बाद हनुमान चौराहा, हॉट रोड, निचला बाजार, सदर बाजार, मानव भवन आदि क्षेत्रों से होते हुए लक्ष्मीगंज में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस समारोह का समापन किया जाएगा। यादव समाज एवं सभी समाज बंधुओं से जिलेवासियों से भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह में शामिल होने की अपील की है। यहाँ पर ये आज जो यहाँ पर बैठक रखी गई है, आज यहाँ पर जो बैठक रखी गई है, यादव समाज के समस्त बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे हरवीर सिंह जी उपस्थित हैं, सरदार सिंह जी उपस्थित हैं, राजू यादव भाई उपस्थित हैं, अमर खान सिंह जी हैं, शिशुपाल सिंह जी पार्षद जी से लेकर के हमारे सभी साथी बंधु यहाँ पर मानपुर से लेकर के और सभी ग्रामीण क्षेत्रों से, रावगढ़ चाचौड़ा से लेकर के सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और प्रतिवर्ष पिछले 20 वर्षों से यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो जन्माष्टमी उत्सव की तैयारी के लिए यहाँ पर सब ने निर्णय लिया है कि आगामी जन्माष्टमी 6 सितंबर को यहाँ पर विशाल चल समारोह भी निकाला जाएगा। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, मथुरा वृंदावन से भी कलाकार और अपनी अपनी राधा कृष्ण की प्रस्तुतियाँ देने के लिए यहाँ पर आएंगे और पूरे नगर में एक विशाल चल समारोह निकाला जाएगा और एक भक्ति भाव के साथ में और पूरा शहर भावभोर होता है। पूरा शहर चल समारोह का प्रतिवर्ष स्वागत करता है। इसी प्रकार से सभी नगरवासियों से और सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि जन्माष्टमी के उत्सव में अधिक से अधिक मात्रा में आकर के और उमंग उत्साह के साथ में भाग लें और उत्सव मनाएँ। सभी सामूहिक रूप से सभी समाजों के बंधु और सभी समाजों के बंधु मिलकर के ही मनाते हैं और सभी आमंत्रित।